हेलो फ्रेंड्स, मेरे जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा मदद मिली थी राधा कृष्ण सीरियल देख के। स्टार भारत में जो सीरियल आते थे, अभी भी आते हैं, तो मैंने 2018 में वो सीरियल देखना स्टार्ट किया था हॉटस्टार में। तो एक दो एपिसोड देखने के बाद बड़ा अच्छा लगने लगा था, तो फिर कंटिन्यू देखती गई। तो उसमें राधा कृष्ण के बहुत सुंदर प्यार से भरा वो पल लम्हे, बबल फेस जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो दिखाया। नटखट, छेड़ना, प्रेम, सताना, है ना, ये सारी चीज़ें देखते थे, बहुत अच्छा लगता था और कनेक्ट करती थी कि हाँ, मेरे लाइफ में भी कोई ऐसे थे जो मुझे परेशान करते थे, सताते थे और ऐसी बातें करते थे और मदद भी करते थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो कनेक्ट करती थी सीरियल देख के और कहीं ना कहीं मुझे मेरे वो बेस्ट फ्रेंड के याद आने लगते थे और लगता था अच्छा, मेरे लाइफ में भी तो ऐसे हुए। तो ऐसे देखती गई सीरियल्स। फिर उसके बाद एक एपिसोड आया जब उन दोनों की शादी हो नहीं सकती, शादी नहीं हो सकती और वो दोनों बिछड़ रहे होते हैं। वो जब वो सीरियल में बिछड़ रहे थे, दोनों रो रहे थे, दोनों कैरेक्टर सुमित और मल्लिका ने बहुत प्यार से वो कैरेक्टर्स को निभाया, मैं खुद देखते देखते इतना रोए जाती थी, इतना रोने लगती थी, इतना रोने लगती थी, अश्रु जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सोचती थी कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, सीरियल है तो मैं जानती हूँ सीरियल है, तो फिर भी मैं रो क्यों रही हूँ इतना। तो बहुत कनेक्ट हो जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मैं ही बिछड़ रही हूँ और एकदम दिल से भर भर के रोना आता था। तो फिर उसके बाद और एक एपिसोड आया बाद में, जब राधा शादी के बाद आयन उसे कहते हैं कि कहाँ गई थी तू, ज़रूर उस कपटी कृष्ण से मिलने गई थी तू ज़रूर, और कृष्ण के बारे में गंदी गंदी बातें, जो राधा के साथ मतलब शक करना और राधा को जिस तरह से बात करना, जिस तरह से मतलब रेस्पेक्ट ना देना, डिसरेस्पेक्ट के साथ व्यवहार करना। फिर मुझे लगा रही ये तो मेरे लाइफ में भी हुआ था, मेरे जीवन में भी एक कोई कार्मिक रिलेशनशिप बन गई थी जो मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से मेरे वो बेस्ट फ्रेंड के बारे में ताने देते थे, परेशान करते थे। मैं कुछ ऐसे गलत काम नहीं किया, मैं कहीं और गई, मैं मार्केट गई, कहीं गई तो मुझे बोलते थे तू उसी से मिलने गई थी, तू ऐसे गई थी। तो ये सारे चीज़ें मुझे लगा कि मेरे जीवन की कहानी दिख रहा है मुझे, तो ऐसे मैं कनेक्ट करती गई। फिर बहुत सारे चीज़ें समझ में आने लगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं अकेली हो गई हूँ जीवन में, अब मेरे तो कोई नहीं है, तो मतलब मुझे ऐसे ही जीना है, अकेले जीना है, जो भी है सब है, रिश्तेदार, फैमिली, संसार, पर कोई अपना नहीं है। तो उसके बाद एक सीरियल देख रही थी, यही सीरियल में ही था, सुमेध आते हैं और बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसके साथ नारायण होते हैं। तो मैंने बोला अरे वाह, अभी तो मैं सोच रही थी मेरे साथ कोई नहीं है, तो एक घंटे में मुझे आंसर मिल गया कि जिसका कोई नहीं होता है उसके नारायण होते हैं। तो फिर मुझे बिलीव, मेरे सिस्टम मतलब मुझे और कनेक्शन डायरेक्ट कान्हा से होने लगा, श्री कृष्ण के जानने की जो इच्छा थी वो और बढ़ने लगी, और फिर मैं कहीं ना कहीं परमात्मा से, कान्हा से कनेक्ट हुई और मैं रियलाइज़ की कि मैं कान्हा की डे बाय डे फ्रेंड बनती गई, दोस्त बनती गई, और अपने अंतरात्मा से मैं कृष्ण से बात करने लगी और खुद से बात करने लगी। फिर मुझे बहुत बार ये समझना भी था, लॉजिकल माइंड बोलते थे नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा बहम है, बस भ्रम में हूँ, भ्रमित हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, श्री कृष्ण हम मुझसे क्यों बात करेंगे, नारायण से कनेक्शन कैसे हो सकता है, ये सब इतना आसान थोड़ी है। लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली उसी सीरियल में आंसर था, राधा बोलती है कि मैं, ये सब भ्रम था, तुम ऐसे नहीं हो श्री कृष्ण, मुझे लगा मेरा भ्रम था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम इस चीज़ को मानती हो,
तो उन्होंने कहा, श्री राधे ने कहा कि हाँ, मैंने दिल से सोचा और दिल से सोचे हुए बातें कभी भ्रम नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा, अरे हाँ, तो श्री कृष्ण को भी तो मैं दिल से सोच रही थी और दिल से सोची हुई बातें कभी भ्रम नहीं हो सकती। तो इस तरह से मुझे अटूट विश्वास होने लगा कि मैं कान्हा से, श्री कृष्ण से, श्री राधे से कनेक्टेड हूँ और मैं परमात्मा के अंश तो सभी होते हैं, मैं भी उनके अंश हूँ, लेकिन मेरे दिल से वो सारे जो जेलसी, वो सारे फैक्टर्स जब निकलने लगे तो प्रेम, अनकंडीशनल लव को मैं महसूस करने लगी। और जब हम अनकंडीशनल लव को महसूस कर पाते हैं तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।